और स्वागत है आपका मेडिको गुरु इंडिया चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सरकार के गुरु नानक आई सेंटर में चलाए जा रहे कुछ सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स के बारे में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस अस्पताल की सादा सामान्य जानकारी, जैसे इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर तथा और कौन कौन सी आँखों से संबंधित सेवाएं यहाँ पर दी जाती है, उस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाया है। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स की जानकारी लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर सेवरल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं। इन क्लिनिक्स में सेवाएं लेने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, पहले अपना अपॉइंटमेंट रजिस्टर करवाना होता है। और सभी प्रकार के सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स की सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सेप्ट रिट्रैक्टिव सर्जरी। रिट्रैक्टिव सर्जरी के अलावा अन्य जो क्लिनिक्स में जितनी भी सेवाएं हैं वो सब फ्री हैं। यहाँ पर एक एक स्पेशलिटी क्लिनिक का नाम दिया गया है। स्क्विंट क्लिनिक वेडनेसडे को लगाया जाता है, रूम नंबर 207 में। डॉक्टर कमलेश इनके मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एंड लो विजन क्लिनिक मंगलवार को, कमरा नंबर 204 में। डॉक्टर पुनीता के सोदी ये डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है इस क्लिनिक के। कॉर्निया क्लिनिक ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार को, कमरा नंबर 120 में। डॉक्टर जे एल गोयल एंड डॉक्टर रितु अरोड़ा ये क्लिनिक कंडक्ट करते हैं। ग्लूकोमा क्लिनिक जो कि मंगलवार को, कमरा नंबर 202 में, डॉक्टर कीर्ति सिंह के इंचार्जशिप में कंडक्ट किया जाता है। न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी क्लिनिक ये गुरुवार को कंडक्ट किया जाता है, कमरा नंबर 207 में, डॉक्टर रुचि गोयल के इंचार्जशिप में। ऑक्यूलोप्लास्टिक क्लिनिक सोमवार को कंडक्ट किया जाता है, कमरा नंबर 118 में, डॉक्टर सुशी कुमार के इंचार्जशिप में। नेक्स्ट है दोस्तों पीट्स ऑप्टेल्मोलॉजी क्लिनिक, छोटे बच्चों से संबंधित आँखों का क्लिनिक है ये, जो कि मंगलवार को लगाया जाता है, कमरा नंबर 102 डॉक्टर अंजू रस्तोगी के इंचार्जशिप में। लास्ट है रेटिना क्लिनिक सोमवार से गुरुवार तक, कमरा नंबर 103 में, डॉक्टर भी घोष के इंचार्जशिप में चलाया जाता है। अब जानते हैं इन सारे क्लिनिक्स की एक एक करके डिटेल। स्क्विंट क्लिनिक, स्क्विंट क्या होता है? ये होता है एक्चुअली आँखों का अलाइनमेंट सही ना रहना, जैसे ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस फोटो में दिखाया गया है, इंसान देखना कहीं और चाह रहा है, एक आँख सीधी तरफ है लेकिन दूसरी आँख की पोजिशन ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी तरफ देखा जा रहा है। तो ये एक प्रकार, ये जो प्रॉब्लम है ये स्क्विंट क्लिनिक के अंडर में आती है। इस प्रकार की परेशानियों का इलाज स्क्विंट क्लिनिक में किया जाता है। देखिए इस बच्चे की आंखों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ये आँख किसी दूसरी दिशा में है और ये आँख किसी दूसरी दिशा में देखती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार की समस्याओं का इलाज आप इस स्क्विंट क्लिनिक में आकर करवा सकते हैं। अगला देखते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस एंड लो विजन क्लिनिक। कॉन्टैक्ट लेंस एक थिन, बहुत ही पतला प्लास्टिक का या ग्लास का लेंस होता है, जो कि कॉर्निया के ऊपर लगाया जाता है। आपका जो नेचुरल लेंस है वो ख़राब होने की स्थिति में कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है, कई प्रकार के विजन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए। ये देखिए कॉन्टैक्ट लेंस का चित्र मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये कॉन्टैक्ट लेंस है और कॉन्टैक्ट लेंस इस प्रकार से आपकी आँख में सेट किया जाता है। देखिए नेचुरल लेंस की जगह पर कॉन्टैक्ट लेंस को एज इट इज उसी की साइज में फिक्स कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्लिनिक पे। नेक्स्ट है कॉर्निया क्लिनिक। कॉर्निया क्या होता है और इसका ट्रांसप्लांट क्या होता है वो देख लेते हैं। अ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज मोस्ट ओपन यूज टू रिस्टोर विजन टू अ पर्सन हु हैज़ डैमेज्ड कॉर्निया। किसी का कॉर्निया अगर डैमेज हो गया है, उस इंसान के विजन को, उसकी दृष्टि को वापस लाने के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट में ऑल्सो रिलीव पेन, अदर साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के खराब होने या इन्फेक्टेड होने की स्थिति में उसके कारण उत्पन्न हो रही कई सारी परेशानियाँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद में समाप्त हो जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। और कुछ परेशानियाँ हैं कॉर्निया से संबंधित, जैसे
कॉर्नियल अल्सर है, इंक्लूडिंग दोज कोज्ड बाय इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेशंस कोज्ड बाय प्रीवियस आई सर्जरी। पहले कभी आँख का ऑपरेशन हुआ है, आँख के ऑपरेशन की वजह से कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है, या अन्य कोई समस्या की वजह से आंसू आते हैं या अल्सर हो गए हैं, खुजली चलती है तो कॉर्निया ख़राब हो जाता है। उस स्थिति में कॉर्निया को बदला जाता है, ये इस विचित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है, ये कॉर्निया होता है, उसी स्थान पर कॉर्निया फिक्स कर दिया जाता है, नया कॉर्निया। जो आँखें जो डोनेट करते हैं आई डोनेशन, उसमें भी कॉर्निया ही केवल डोनेट किया जाता है, पूरी आँख डोनेट नहीं की जाती। इस चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं कॉर्निया क्या होता है, डैमेज्ड कॉर्निया रिमूव्ड। देखिए जो डैमेज्ड कॉर्निया था, जो ख़राब हो रखा था, इस चित्र में आप देख सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया गया है, इसकी जगह पर दूसरा फ्रेश कॉर्निया, नया कॉर्निया लगा दिया जाता है, वो होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। अब आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आँखों की कंडीशन है जिसमें कि ऑप्टिक नर्व, तंत्रिका तंत्र की जो नर्व है, जो ब्रेन और आँखों के मध्य में जो संपर्क बनाती है, या जिसकी वजह से अपन को दिखता है, संसार को हम देख पाते हैं, वो ऑप्टिक नर्व होती है, वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज होने की स्थिति जो है उसको ग्लूकोमा कहते हैं। इसकी वजह से आँखों से संबंधित कई सारी समस्याएँ आती है। ये देखिए इस आँख में आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोमा के मरीज की आँख है, इस प्रकार की आँख हो जाएगी अगर आपको ग्लूकोमा है। और जो नर्व है जिसको इस चित्र के माध्यम से दिखाया है, यहाँ पर जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है, यहाँ ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो दृष्टि संबंधित कई सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अगला है दोस्तों न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिक। न्यूरो न्यूरोलॉजी से संबंधित है, ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों से संबंधित है, तो ये एक डिपार्टमेंट है जो आँखों से संबंधित नर्वस सिस्टम को डील करता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं जो आँखों को ब्रेन से जोड़ती है, इससे संबंधित विकारों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ओकुलोप्लास्टी, देखिए इस चित्र में ओकुलोप्लास्टी का बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ओकुलोप्लास्टी क्या होता है, ये एक्चुअली एक प्लास्टिक सर्जरी है। ओकुलोप्लास्टी ऑल्सो नोन एज ऑप्थेल्मिक प्लास्टिक सर्जरी इज ए सर्जरी विथ रिलेशन टू द आई एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। आँखों और उसके आसपास के एरिया की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको ओकुलोप्लास्टी सर्जरी में काउंट किया जाता है। ओकुलोप्लास्टी सर्जरी में भी परफॉर्म टू इम्प्रूव फंक्शन, कम्फर्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है जिनकी अवस्था में ओकुलोप्लास्टी सर्जरी की जाती है, वो कौन कौन सी है देखते हैं। टीयर ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, आईलिड मालपोजिशन, आईलिड्स जो है वो मालपोजिशन अलग अलग पोजिशन पे है या अच्छी नहीं दिखती है। स्किन कैंसर्स ऑफ द आईलिड, आईलिड का कैंसर हो जाए उस स्थिति में सर्जरी की जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्बिट, आई सॉकेट की कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें किया जाता है। आईब्रो प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं हैं जिस स्थिति में ओकुलोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। ये इस चित्र को आप ब्रॉड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस चित्र में देखिए इस लेडी की आंखों पर ये सलवट से नज़र आ रहे हैं और ओकुलोप्लास्टी के बाद में ये स्थिति है, इनका चेहरा बिल्कुल सामान्य और बिल्कुल सामान्य दिख रहा है। ये ओकुलोप्लास्टी के उदाहरण हैं कुछ, ये चित्र हम पहले देख चुके हैं। ये देखिए ये ऑपरेशन से पहले का चित्र है, ये ऑपरेशन के बाद का चित्र है, ये ऑपरेशन से पहले का है, ये ऑपरेशन से बाद का चित्र है। तो काफ़ी डिफरेंस पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। ये ऑपरेशन से पहले जैसे आँखों के नीचे थोड़ी सूजन सी लालिमा है तो ये ऑपरेशन या ओकुलोप्लास्टी की सहायता से ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब आता है दोस्तों रेटिना क्लिनिक। रेटिना क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या है रेटिना। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ विजन इज द कन्वर्सन ऑफ लाइट इनटू सिग्नल्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू द ब्रेन। हम जो भी संसार में देखते हैं उसको अपने ब्रेन मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम रेटिना करता है। रेटिना आँखों के पीछे वाला भाग होता है, पर्दे के पीछे वाला भाग होता है। अगर इस पर्दे के पीछे वाले भाग में कुछ परेशानी आ जाती है तो दिखने संबंधी कई सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। रेटिना से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां हैं, जैसे मस्कुलर डिजेनरेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मस्कुलर एडिमा, सोलर रेटिनोपैथी, डिटेच्ड रेटिना, ये कुछ बीमारियों के नाम हैं जो रेटिना से संबंधित होते हैं।
तो इन सब का इलाज भी यहाँ पर किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य लाभ पहुँचेगा। अन्य कोई प्रकार की जानकारी आई से संबंधित अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।